हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष छोल ब्रिजवासी ब्लॉगर में फिर उपस्थित होंगे सभी नटखट मित्रों के समक्ष। आज हमारे परिवार की शादी का प्रोग्राम है वहाँ पर चंद्रमहल पैलेस में, तो वहाँ हम पहुँचने के लिए बिल्कुल पट में तैयार है और आनंद उल्लास की प्राप्ति के लिए बारात में नाचते गाते उल्लास करते हुए जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ का दिव्य प्रस्तुतिकरण आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और कौन कौन से लोग अपनी रमड़ में लगे हुए हैं ठंडाई पानी के, उनका भी दिव्य प्रस्तुतिकरण आप सभी लोगों के सामने साझा करेंगे और उन जो जो हमारी जानकारी उन सबका भी चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए जय सियाराम, जय राजा राम, पति जो पावन सीताराम। अगली भेंट चंद्रमहल पैलेस के अंदर होगी और हमारे परिवार के जो जो लोग उपस्थित हैं उसका दिव्य प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। जय सियाराम। हाय गाइस, अब पहुंच चुके हैं चंद्रमहल पैलेस और ये पूजा गाइस, हम पहुंच चुके हैं चंद्रमहल पैलेस और यहां विराजे हुए हैं अभी इस समय, पूरा माहौल सजा हुआ है इस समय यहां पर और आगे की दिव्य प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, बारात का पूरा ब्यौरा देंगे और जो जो प्रोग्राम उपस्थित होंगे समक्ष हमारे परिवार में चलता है जो कार्यक्रम वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। अभी इस चीज़ को विराम देते हैं। जय सियाराम, जय आनंद ले रहे हैं, खान पान चल रहा है, ठंडाई करवाइए। कल जो शेर तो थोड़ा फस के आता वो भी देखने में दिखा दे। यहाँ आनंद आ रहा है इस समय हमारा और हमारे व्यापारी वर्ग के लोग बाग भी यहाँ उपस्थित हैं। बाबूजी हमारे, इनका भी जवाहरात का काम है, ज्वेलरी का काम है, बाबूजी का भी बात हो रही है। जितने भी लोग बाग उपस्थित होते हैं यहाँ सब सोनी भाई हैं, जितने भी यहाँ विराजमान हैं। हाँ, हमारा बालक है ये। आनंद उल्लास आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ सभी समक्ष, जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ, मनीष झोरी ब्रिजवासी फैमिली के लोग बाग उपस्थित हैं। ये बहुत से लोग बाग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, आनंद चल रहा है, पूरा कार्यक्रम का कार्यभार हमारे ही हाथों से संभाला हुआ है इस जगह पर मेरे दोस्तों। और हम यहाँ उपस्थित हैं मनीष झोरी ब्रिजवासी। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आनंद है, उल्लास है और रमणता है। ये हमारे चाचा जी हैं, ये इनका नाम है राकेश सिंह कटारिया, ये भी सोनी है और हम भी सोनी है। कटारिया से मत समझना कि अदर कटारिया, ये सोनी। ये भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, मनीष झोरी ब्रिजवासी ब्लॉग यूट्यूब पर। अरे साहब क्या बात है इनकी, हाँ इनकी क्या बात है, वो कह रहे हैं अभी बारात का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, दरवाजे के ऊपर तोरण मारा जाएगा और इसका अवलोकन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ का भव्य स्वागत की तैयारियों में लगी हुई है लेडीजें, अपने लोग बाग आने की तैयारियाँ हो रही है यहाँ पर। लोग बाग चखन मक्खन भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत आहार बिहार भी ले रहे हैं, आहार भी ले रहे हैं, बिहार भी ले रहे हैं, बिहार का मतलब घूम रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे बारात आगे की तरफ चलती हुई अपनी मंजिलों को प्राप्त करती हुई। हमारे ताऊजी हैं साहब, अच्छा है, ये
ऐसा ही बोलना पड़ता है, ये मथुरा रहती है साहब। रात भर जागे हैं, उनकी आंखें इसलिए सूज चुकी हैं इस समय। हाँ, ये हमारे छोटे भाई साहब है खास, ये योगेश जौहरी। सब यहीं उपस्थित है मेरे दोस्तों, कोई भी छुपा हुआ बैठा नहीं है कहीं। सब चाहते हैं कि छा जाए हमारा कंठा, जरा ऊपर चला हुआ है या नीचे कर ले यार। पहले के जमाने में कहते थे वाह साहब बारात का स्वागत पान पराग से कीजिएगा, लेकिन अभी पान पराग उड़ चुका है इस समय। अब पता नहीं कौन सा पराग आ रहा है, अब तो फूलों को पराग कहते मेरे भाइयों। बारातियों का स्वागत फूलों से कीजिएगा। सारा स्वागत चल रहा है आगे की तरफ। सब बारात अंदर आने की तैयारी के लिए तैयार है और हम उनका स्वागत करने के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या कर सकते हैं, हमको स्वागत मन रहे करने के लिए। और ये हमारी बहन है, ये हमारे कुमार साहब हैं, जीजा जी हैं, ये बच्चे हैं, भांजे हैं हमारे, भांजी हैं, सब हैं यहाँ उपस्थित हैं। सब पूरे परिवार उपस्थित है, जो भी झौरी परिवार है, सोनी परिवार है, सब यहाँ उपस्थित है। सब अब बारात अपनी पचलनी करती हुई आगे की दिव्य प्रस्तुतिकरण अभी आगे आपको देंगे, अभी इस चीज को रोकते हैं। जय सिया राम, जय राजा राम। आ चुका है फिर उपस्थित है हमारे बड़े भाई साहब, यहाँ पर भी पकड़ा है इनको। चाचा जी है देहरादून रहते हैं, ये भी जौहरी है और हम भी जौहरी है, एक ही खून है रगों में। ये हाँ बात है, सबके चेहरे एक सार होंगे गुरु, ये देख लियो। ये चाचा जी, ये जड़िया खानदान है ब्रज को। कहाँ के अपन, कहाँ के अपन? मथुरा, वृंदावन। वृंदावन, ये पूरा वर्चस्व हमारा है। मकसूदाबाद वाली, मकसूदाबाद।
हाय गाइस, फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। और अब हम घर आ चुके हैं क्योंकि बच्चों को कल सुबह अपने कॉलेज का जाना है, एग्जाम है कल हमारे बच्चे का मणिपाल यूनिवर्सिटी में। तो जो भी शादी का प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा हो, जो भी हमने जिस हिसाब से अपने दिमाग से जो आपके सामने प्रस्तुत किया है और अच्छा लगा हो, तो आपसे आग्रह है उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका हूँ, आपका ही रहूँगा मनीष झौरी ब्रिजवासी। जय सियाराम, जय राजा राम। आज के लिए इतना ही, इसको देते हैं अब हम विराम और एक शेर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही ना टपके तो वो लहू क्या है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, संघर्ष जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। जितना संघर्ष करोगे उतना ही निखर कर आओगे आगे तक, ये ध्यान रखना। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो सर उठा के जियो। तो आज के लिए इतना ही, आनंद आ रहा है ठाकुर का दिव्य प्रस्तुतिकरण, शादी का, ठाकुर का नहीं शादी का जो भी प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हूँ, आपको ही रहूँगा मनीष झौरी ब्रजवासी।